चिकन क्रीमी रोल की यहाँ पे हम फिलिंग तैयार कर लेते हैं। तो एक मैंने मीडियम साइज़ की प्याज ली है, उसको इस तरह से रफली चॉप कर लिया है। हल्का सा इसको जो है वो सोते होने देते हैं। तो ये देखें जी, यहाँ पे प्याज हल्का सा जो है वो ब्राउन हो गया है। अब इसमें मैं शामिल करूँगी एक प्याले के करीब बोनलेस चिकन है। इसको मैंने छोटे छोटे पीसेस में जो है वो इस तरह से काट दिया है। एक मिनट के लिए हम प्याज और ऑयल में इसको अच्छे से जो है वो फ्राई कर लेते हैं। तो ये देखें जी, यहाँ पे एक मिनट के लिए चिकन को मैंने जो है वो हल्का सा फ्राई कर लिया है। अभी इसमें थोड़े से मसाले जो हैं वो शामिल कर देते हैं। हाफ टी स्पून के करीब नमक, धनिया पाउडर, 1 टीस्पून के करीब चिली फ्लेक्स, हाफ टी स्पून काली मिर्च, वाइट पेपर, ओरिगेनो, और डालेंगे चिली सॉस 1 टेबलस्पून के करीब, और 2 टेबलस्पून के करीब इसमें डालूंगी सिरका। तो चलेंगे इसको मिक्स करते हैं, और 5 मिनट के लिए मैं इसको कवर कर देती हूँ ताकि चिकन जो है वो थोड़ा टेंडर हो जाए। तो ये देखें जी, यहाँ पे चिकन हमारा टेंडर हो गया है। अब इसमें मैं शामिल करूँगी बंद गोभी और शिमला मिर्च। इसको भी हम 2 से 3 मिनट के लिए चिकन में अच्छे से इसको फ्राई कर लेते हैं। इसको बहुत ज़्यादा ओवर कुक हमने नहीं करना। जैसे ही थोड़ी सी ये सॉफ्ट हो जाएगी तो उसके बाद नेक्स्ट बताती हूँ क्या करना है। तो ये देखें जी, यहाँ पे सब्जियों का भी कैसा खूबसूरत कलर जो है वो आ गया है। और यहाँ पे मेरे पास हाफ प्याली की क्रीम, टेट्रा पैक क्रीम है, ये मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। तो अभी क्रीम में सारे मिक्सचर को अच्छे से मिक्स करते हैं, और उसके बाद फिर इसको ठंडा कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने ब्रेड स्लाइसेस ले लिए हैं। यहाँ पे इसके एजेस जो हैं वो हम निकाल देते हैं, और इन एजेस का हम बाद में क्रम बना लेंगे। और अभी इसको यहाँ पे इस तरह से फ्लैट कर लेते हैं, और ये जो फिलिंग हमने तैयार की है ये इस तरह से इसके अंदर हम सेट कर देते हैं। इस तरह से इसको रोल कर देंगे। यहाँ पे मेरे पास मैदे की स्लरी है। यहाँ पे एजेस पे हम इसको हल्का हल्का सा लगा देंगे ताकि रोल जो है वो अच्छे से जो है वो सील हो जाए। तो ये देखिए जी, तो इसी तरह से बाकी भी सभी तैयार करती हूँ। तो यहाँ पे रोल हमारे रेडी हो गए हैं, तो अभी हम इनको कोट करेंगे। सबसे पहले इसको हम कोट करेंगे अंडे में, और उसके बाद अच्छे से जो है वो भर कर लगा देंगे इसको क्रम। तो ये देखिए जी, यहाँ पे हमारा ब्रेड रोल जो है वो तैयार है। तो बाकी भी सभी इसी तरह से ही जो है वो तैयार कर लेते हैं। चिकन मलाई रोल यहाँ पे रेडी हैं, तो यहाँ पे हम इनको फ्रीज भी कर सकते हैं किसी एयरटाइट जार में रख के। तो मैं आपको अभी फ्राई करके दिखाती हूँ कि ये कैसे बनते हैं। चिकन मलाई रोल हमारे यहाँ पे तैयार हैं फ्राई होने के लिए। ऑयल भी गर्म हो गया है, तो चलिए जी इनको फ्राई कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए जी, हमारे रोल कैसे खूबसूरत जो है वो हो गए हैं। आप देख सकते हैं कैसा खूबसूरत कलर जो है वो इनका आ गया है। देखिए फ्रेंड्स, हमारी मज़ेदार रमज़ान स्पेशल रेसिपी चिकन मलाई रोल जो हैं वो तैयार हैं। तो अगर ये मेरी मज़ेदार रेसिपी आपको पसंद आई है तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोबारा मिलूंगी आपके साथ इसी तरह एक और मज़ेदार रेसिपी लेकर। खुदा हाफिज़।